आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था काशी और सारनाथ की इस धरती पर, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है, यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपने अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा, एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है जब बौद्ध धर्म का पहला
कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का यह केंद्र बिंदु, यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।